जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अर्दी हांडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। जी आज हम वीडियो में आपके साथ जो है एक राइस की रेसिपी शेयर करेंगे। जी हमने यहाँ पर जो है आज आप लोगों के लिए जो है चने वाला पुलाव तैयार किया है, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी वे के साथ हमने बनाया है। हमने बिल्कुल कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की, बहुत ही झटपट बनाया है, क्योंकि हमें देर हो रही थी तो हमें समझ नहीं आ रही थी आज हम क्या बनाएँ। तो हमें फिर समझ आ गई कि हमने जी आज चने वाले चावल बनाने हैं। तो जी यहाँ पर जो है हमने आधा किलो के करीब जो है अच्छे वाले बासमती राइस लिए हैं। इन्हें हमने अच्छी तरह चुन के और अब हमें आधे घंटे के लिए जो है पानी में भिगो देंगे। और यहाँ पर जो है हमारे पास पहले से बॉयल जो है चने पड़े हुए थे वाइट, 2 कप वो हमने लिए हैं। और हमने 3-4 जो है प्याज लिए हैं, स्मॉल साइज़ हैं। लहसुन अदरक लिया है, फिलहाल साबुत है, लेकिन हम इसे पेस्ट बनाएंगे, थोड़े मोटा मोटा रखेंगे। हरी मिर्ची हैं और 1/2 कप जो है हमारे पास टमाटर की पेस्ट है, जिसे कि हमने फ्रीज़र में टमाटर की पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो वही अब हमने 3-4 क्यूब्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। तो जी अब हमने अपनी चावल पकाने की तैयारी शुरू कर ली है। तो हमने एक पतीले के अंदर जो है ऑयल डाला है, तकरीबन 1/2 कप है। आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, जिसे आप अच्छा लगे। तो यहाँ भी जो है हमने प्याज़ों के स्लाइस कर लिए हैं और अब हम इन्हें घी में डाल के ब्राउन करेंगे, लेकिन हम थोड़े से डार्क ब्राउन करेंगे, क्योंकि डार्क ब्राउन करने से जो हमारा चना का पुलाव है इसका कलर जो है बड़ा प्यारा सा आएगा। तो जब भी कभी कलर अच्छा चाहिए हो चावलों का, तो उसके लिए प्याज़ों को आपको थोड़ा सा डार्क कलर देना पड़ता है। ये देखिए इस तरह के हो गए हैं। तो जी अब पॉइंट आ गया है कि हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, ताकि प्याज जो हमारे बिल्कुल ही जलना ना शुरू हो जाए। उनके बचाव के लिए हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। और जी अब हम इस तरह करते हैं, हमने लहसुन और अदरक को जो है मोटा मोटा सा डाल के पीस लिया है। अब हम इसके अंदर ही जो है हरी मिर्चें डालेंगे, उसको भी पीसेंगे। हरी मिर्चों को भी इसके अंदर पीसने से जो हमारे चने का पुलाव है उसका फ्लेवर बहुत ही इंशाल्लाह ताला अच्छा आएगा और बहुत ही प्यारा लगता है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये आपके जो है चने के पुलाव के फ्लेवर को जो बड़ा इन्हेंस करेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। हमने यहाँ पर जी ज़ीरा लिया है तकरीबन 1 चम्मच है, दालचीनी है, थोड़ी सी हमने लौंग लिए हैं, साबुत मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, थोड़े से जो हमने तेज़ पत्ते लिए हैं, और यही जो हमने अभी चीज़ें आपके सामने पीछी सी लहसुन अदरक और सब्ज मिर्च, इसका भी जो है पेस्ट बना के रखा है। तो अभी सारी चीज़ें जो हमने जो प्याज थे जिनके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसके अंदर डाल दी है, और इसे थोड़ा सा जो है हम भून लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा ये जो है मिक्स हो रहा है। तो अब हम जो है इसके अंदर हमने डाल देनी है 1 चम्मच जो है हम लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करेंगे, और 2 चम्मच जो है हम यहाँ पे नमक का डालेंगे। 1 ग्लास के लिए 1 चम्मच काफ़ी होते हैं, 2 ग्लास थे तो हमने 2 चम्मच नमक के डाल दिए हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह का आपका टेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप ये वाली चीज़ें डाल सकते हैं। तो जी 1/2 कप जो हमने टमाटर का पेस्ट लिया हुआ था वो भी हमने इसके अंदर डाल दिया है, और अब हम इसे जो है भून लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये मसाला जो है हमारा बड़ा अच्छा सा मिक्स हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है हमने चने बॉयल करके रखे हुए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको भी हल्का सा जो है बस ऐसे ही फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा बिल्कुल। और अब जो है बिल्कुल ये देख रहे हैं आप कि बिल्कुल मसाले के अंदर जो है हमारे चने जो हैं भुन गए हैं। तो अब जी हम इसके अंदर तकरीबन 3 ग्लास पानी ऐड कर देंगे, आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग जो है पानी डाल लीजिए। तो जी यहाँ पर जो हमने चावलों के चनों का जो अंदर पानी ऐड किया था उसको जब तक बॉईल नहीं आ जाएगा उस वक्त तक जो है हम इसके अंदर जो है चावल ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए इसे ढक के रख देते हैं। चावलों का पानी जो है पकना शुरू हो गया है चने वाले। तो जी अब हम इसके अंदर जो हमने चावलों को धो के भिगो के आधे घंटे के लिए रखा हुआ था, टाइम आ गया है कि हम इसके अंदर ऐड कर दें। अच्छा इतनी अच्छी स्मेल आ रही है, बड़ा ही प्यारा सा जो है ना इसका अरोमा जो है ना वो आ रहा है। तो चावल जी ऐड कर देते हैं, पानी में से निकाल के रखे हुए हैं। तो मैंने इसके अंदर सारे चावल जो हैं डाल दिए हैं, अब इसे एक दफ़ा अच्छा सा हिला लेते हैं ताकि चावल और चने जो हैं आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए।
अच्छा, इस चावलों के अच्छा बनने की एक टिप भी है जो कि अभी मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगी, वो ये है कि जब आपके चावलों का पानी बिल्कुल इस तरह थोड़ा सा रह जाए तो आपने इसके अंदर हाफ कप जो है दही को जो अच्छी तरह फेंट के वो आपने इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह हिला लेंगे। आप ये टिप जो है ट्राई कीजिएगा, इस तरह जो है आपके चावलों में टेस्ट बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह ताला आएगा। तो जी अब जो है चावलों को दम लगाने का टाइम आ गया है ताकि हम इसे जो है तकरीबन 10 मिनट के लिए जो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जो है हम इसे दम लगाने लगे हैं। आप चाहें तो क्या कहते हैं इनके लिए इसके नीचे तवा भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे जो चूल्हा है इसके लिए ज़रूरत नहीं है, तो हम इसके ऊपर जो है इसके ढक्कन के ऊपर जो है एक कपड़ा लगा देंगे रोटी वाला रुमाल, और उसके साथ जो हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है कवर करके रख देंगे और 10 मिनट के बाद इसे हम खोल लेंगे। तो जी 10 मिनट हो गए हैं, खुशबू भी आ रही है और भूख भी बहुत लग रही है, तो अल्लाह का शुक्र है कि चावल जो है बड़े अच्छे से खिले खिले से बन गए हैं। ये देखिए चावल जो है अभी बहुत गर्म है, आप देख रहे हैं कि किस तरह स्टीम एकदम उड़ के कैमरे के आगे आई है। तो जी चावल तैयार हो गए हैं, अब टाइम आ गया है कि चावलों को जो है हम किसी डिश में जो है इन्हें निकाल लें। तो जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारे जो आज के जो चना पुलाव हमने बनाया है इसकी जो है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आपने देखा कि हमने कितने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से जो है चने का पुलाव तैयार किया है, ज़्यादा स्पाइसेस भी ऐड नहीं किए। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो।